अस्सलाम वालेकुम, SM न्यूज़ के साथ मैं हूं इश्तियाक अली। खबरों का सिलसिला बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं जामशोरू से। जामशोरू कोटरी मिल एरिया में कायम निजी कारखाने में 6 साल से काम करने वाले सिकंदराबाद के रिहायशी अमानत नवीद और किरामत को बिना किसी नोटिस के बरतरफ कर दिया गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे उमैर अली बसरा से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जामशोरो कोटरी मिल एरिया में कायम निजी कारखाने वालों ने बिना किसी सबब 6 साल से काम करने वाले मजदूरों को निकाल दिया। कोटरी सिकंदराबाद के रहायशी अमानत नवीद और करामत ने अपने बच्चों के साथ जामशोरो प्रेस क्लब में एहतजाज किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया कि हमें निजी मल्टी नेशनल कंपनी के मेहरान प्लांट कोटरी में काम करते हुए 6 साल हो गए, बिना किसी नोटिस बरतरफ बेरोज़गार कर दिया गया। हाँ, HR मैनेजर की तरफ से धमकियां दी गई कि अगर आप लोगों ने एहतजाज किया तो मैं तुम लोगों को गुम करवा दूंगा। बरतरफ होने वाले बेरोज़गारों की औरतों ने कहा कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हम घरों का किराया, बच्चों की फीसें, राशन कहाँ से लाएंगे, हमारी मदद की जाए और हमारे शोहरों को ड्यूटियों बहाल की जाएँ ताकि हमारे घर का निज़ाम चल सके। बहुत शुक्रिया उमैर तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए SM न्यूज़।